ऐसा प्रॉब्लम होगा हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत होगा, हम लोग तुरंत वो काम करेंगे। सरकार इतना सुविधा दे रही है कि आपको अगर तो है सरकार तरफ से सुविधा जरूर मिला है, मगर जो वहाँ स्टाफ है वही सब गड़बड़ करता है। और बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका अगर पेशेंट लाचार है, वो चल नहीं सकती है, उनके लिए सरकार वाहन व्यवस्था दिया है, आप वहाँ से गाड़ी खुद आएगी लेने के लिए, दम लेने आएगी गाड़ी। मजबूरन है, वहाँ जाएगा तो दवा के खर्च कौन देगा? जो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है लोग, अपना क्लिनिक बनाया है, उसका कहाँ से चलेगा? नहीं तो आप सुनिए ना हमारी बात, चले के तो बात दूसरा हो गया, लेकिन सुविधा सुविधा पूरा नहीं ना दे पाता। दिया है हमारी बात सुनिए, अब इधर गाड़ी भी दिया है, अब ना हाँ इधर दिया है, सिर्फ दिया दवा तो नहीं देगा, साफ देगा सरकार के दवा, सरकार दे रही है दवा कागज पर यार, सब तो कागज पर बन जाए, साहब दवा से वास्तव में नहीं चलता है, लेकिन खड़ा होना पा, हम ही बोल रहे हैं ना कि वहाँ पे हम लोग खड़ा रहेंगे तो हम लोग मदद करेंगे, उस टाइम में आप लोग अंदर से मदद है होगा, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं हम लोग, कोई भी सरकारी दवा से नहीं होगा, यही ना कर रही है पब्लिक को, गवर्नमेंट से जो मिलने वाली सुविधा है ना उसको जो है हम लोग एकदम आपको एकदम पूरा कराएंगे। और अगर मान लिया गवर्नमेंट का सक्षम नहीं हुआ, वहाँ पे नहीं रहेगा, तब फिर वहाँ पे हम लोग कुछ सोचेंगे, है ना, लेकिन सबसे पहले जो मिलने वाली सुविधा है ना उसको हम लोग खींच लेंगे वहाँ से, कहा उन लोग को बचने देंगे। देखिए हॉस्पिटल में वो ऐसा ऐसा आदमी को खोज रहा है जो हमारे गाँव में जाके काम करे, जो उन लोग चाह रहा है वो आंगनवाड़ी लोग नहीं कर रहे हैं, देखिए हम बताते हैं, समझ गए, अब हम उनका मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तो किनके, उन्हीं का मदद कर रहे हैं, इन्हीं के हम अपना मदद कर रहे हैं, तो उनका सरकार का मदद कर रहे हैं कि गांव में जाके हम पूरे महिला को एकदम जो नहीं जा रहे हैं उनको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं कि नहीं चलिए आप वहाँ पे, चलिए वहाँ पे करिए, देखिए कैसे नहीं होगा, तो किनका, गवर्नमेंट का हम लोग मदद कर रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग अपना मदद कर रहे हैं, तो उनका फायदा है ना, वो तो चाह रहे हैं कि हमको ऐसा ऐसा आदमी मिले जो हमारे गांव में जाके ये सब करें, वो सब चाह रहे हैं। मैत्रेया कुष्ठ का काम हाँ वो सब हो रहा है, यहीं पे कई टीवी का पेशेंट है, लोगों को दवा नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, आइए बैठिए सब, आज बच्चा का काम नहीं था, आज खाली महिला का काम था, आइए बैठिए, बच्चों छोटा छोटा, हाँ हाँ आइए आइए बैठिए ना, बैठिए ये पर आप लोग बैठिए, बैठे ना विधायक जी तो है, ये है आप लोग भी ऐसे बैठिए, हाँ आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है कि इनको गाँव के कौन कौन से लोगों क्या क्या होता है सब इन लोग जानते हैं ना। अरे प्रस्ताव पहले लाइए ना सामने, बैगवाटा जी सामने नाम लाते हैं, हम थोड़ा सा चुनी में असमंजस पड़ गया, सबका विचार देखिए, इसलिए पड़ जाएगी कि हम वोट के चलते भाई चलावन चल जाए, ये मतलब संस्था का चीज है, संस्था की चीज है, हम भाई जो फल्ला की ना चुने अंदर से कड़वा हो जाए, देखिए इनको सही बात है, बात सही कह रहे हैं, अच्छा मैं आदमी भेज रहे हैं, तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसा ये अच्छी है कि इसमें बिना लगे कोई काम नहीं होता है, लगिएगा नहीं, जो गांव में आंगनबाड़ी आशा को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि डॉक्टर तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे नहीं, तो आशा आंगनबाड़ी को इसीलिए ना दिया गया है कि आप इस सब चीज को सर्च कीजिए कि आपके गांव में क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कौन बच्चा क्या है, कौन महिला में क्या दिक्कत है, गर्भवती महिला कितना है, ये सब सर्च होता है ना, सर्वे करते हैं ना, सब करते हैं ना, तो ये सब होता है, एजुकेशन वाले लोग भी करते हैं सब करते हैं, पहले एजुकेशन वाले, अब आशा ये और आंगनबाड़ी लोग ही सब करने लगे हैं, ये सब आपकी मेरी क्या बोल रही है, समझ गया ना, इसमें जेंट्स लोग को भी हम बोलते हैं, जो हस्बैंड है, जो पति है, उन लोग को भी इस बात को केयर करना चाहिए, समझ गया ना, महिला लोग तो देखिए, महिला लोग गांव वाले हैं, आप लोग तो बाहर निकलते हैं, महिला लोग नहीं निकलते हैं ठीक है, लेकिन आप लोग तो बाहर निकलते हैं, आप लोग इस चीज को समझिए
कि जो कह रही है उसके उसके बारे में हम सोचे ही नहीं कि पत्नी है मेरी घर की बीवी है तो जूता समान है, तो ये गलत बात है। वो देवी है, आपके घर की देवी है वो, इसलिए इस चीज को भी पकड़िए। नहीं तो पति बड़े घमंड में रहते हैं ना कि पत्नी है ना, इसको तो खाली भोजन बनाना और बच्चा को पोसना पालना है, यही काम है, लेकिन गलत बात है। यहाँ देवी भी जो है ना से काली के रूप में रहती है। पति को भी वो नरसंहार कर सकती है। यही वजह से मैडम आप दोनों को सरकार 50-50 कर दिए, अब कुछ नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक लाठी वो मार दी तो वो एक लाठी मार। नहीं, अगर मैनेज करेंगे तो कहीं झगड़ा नहीं होगा। नहीं राजेश जी, अगर मैनेज करेंगे पति पत्नी तो कभी झगड़ा नहीं होगा, है ना? कभी इस सब का झगड़ा नहीं होता। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं तो कैसे झगड़ा होगा? समझना दोनों का, हाँ ठीक है। हम गलती किए हैं तो आप कह सकते हैं कि ये गलती किए हैं, यहाँ पे नहीं।